हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ कम सामग्री में बनने वाली सुपर सॉफ्ट मार्केट स्टाइल प्रोफेशनल काफ़ी लोगों की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, हमें सबसे पहले फुल फैट मिल्क लेना है 1 कप। 1/4 कप हम यहाँ पर शुगर लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप हम मिल्क पाउडर लेंगे, चुटकी भर नमक भी लेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और आइसक्रीम में बेटर टेस्ट के लिए स्ट्रॉबेरी का क्रश यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कलर्स के लिए हम यहाँ पर इसेंस और कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में स्ट्रॉबेरी का क्रश मिलता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, इसमें हम 1 कप फुल फैट मिल्क ले लेंगे। मिल्क में अब हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। 1/4 कप हम मिल्क पाउडर भी मिक्स करेंगे। इसी में हम 1/4 कप शुगर भी मिक्स करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ। इसी में हम एक चुटकी नमक भी मिक्स करेंगे। पूरे बैटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर मिलाया है, तो इसमें लम्स बनने लगते हैं, तो सभी लम्स को हमें क्लियर करना है। इसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी लम्स नहीं है। इस स्टेज पर आकर हमें गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और हम इसे जब भी बनाएं तो ध्यान रखिएगा हमें इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है, और इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। इस बैटर में हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, तो कॉर्नफ्लोर मिक्स करने की वजह से ये तले से लग सकता है, इसलिए इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है ये गाढ़ा होने लगा है। हमारी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट ना हो, इसके लिए हम इस स्टेज पर आकर इसमें 1 टेबल स्पून ग्लूकोज सिरप मिक्स कर रहे हैं। अगर आप घर के लिए ही आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आज हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं। इससे पहले हम चैनल पर वैनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और बटर स्कॉच आइसक्रीम का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर आकर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बैटर को हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। अब हम यहाँ पर क्रीम भी रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा क्रीम जो हो वो लिक्विड फॉर्म में ही हमें लेना है, इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। क्रीम को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ट्रोपोलाइट कंपनी की क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम में से जब तक सॉफ्ट पिक्स नहीं आते तब तक हमें इस क्रीम को बीट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रीम है वो सॉफ्ट बन चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि जो बैटर हमने आइसक्रीम का बनाया है क्या वो ठंडा हो चुका है। बैटर को भी अच्छी तरह चेक करने के बाद हम क्रीम में 1/4 कप कंडेंस मिल्क मिला लेंगे। अभी हम जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी का एसेंस भी बेटर टेस्ट के लिए मिला लेंगे। स्ट्रॉबेरी का जो कलर है पिंक कलर, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। हमने जो आइसक्रीम का बैटर रेडी किया था उसे भी हम इसमें छान कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। बेटर टेस्ट के लिए हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश भी मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो आप उसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम 1 मिनट के लिए बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है ये क्रीमी और फ्लफी हो चुका है। इसे अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे स्प्रेड कर लेंगे और 1 से 2 बार नीचे टैप करेंगे। आप जैसे चाहे इसे गार्निशिंग कर सकते हैं, मैं इस तरह से कर रही हूँ, और इसमें कुछ टूटी फ्रूटीज भी डाल दूंगी।
उसके बाद हम इसे एयर टाइट करके ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट सेट करने के बाद आइए हम इसे चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी आइसक्रीम है वो रेडी हो चुकी है। स्कूपिंग स्पून की हेल्प से इसे अब हम सर्व कर लेंगे। ये सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है, आप इसे देख सकते हैं, क्रीमी और सॉफ्ट दिख रही है। आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप चैनल पर और कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम देखना पसंद करेंगे यह भी हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें आगे और न्यू रेसिपीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।